हो गया ना सर? यस, हाँ दो मिनट। यस परफेक्ट हो गया। हेलो एवरीवन, तो आज के इस कलारंभ लाइव पेंटिंग डेमो प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम करते हैं कलारंभ की टीम की तरफ से, और वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट आर्टिस्ट अजहरुद्दीन ईमानदार सर। तो इनके बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन देने बैठूं तो करीब आधा घंटा लग जाएगा। जो भी इनका अवार्ड इन्होंने विन किए हैं, जो भी सर की अचीवमेंट्स है, अगर वो बताने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा सर का। सर जो है वो महाराष्ट्र से है बेसिकली, और इन्होंने फाइन आर्ट में ही पेंटिंग में अपने ग्रेजुएशन किया है अभिनव कला महाविद्यालय पुणे से। और अगर अवार्ड्स की लिस्ट गिनने बैठेंगे तो काफी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक अवार्ड आपको बताना चाहूंगा। 2001 से लेकर सर ने जो अवार्ड विन करने की शुरू की उसको अभी तक चलाते आ रहे हैं। तो 2001 में एनुअल आर्ट एग्जीबिशन भारतीय कला महा विद्यालय पुणे उन्होंने अवार्ड विन किया। उसके बाद बहुत सारे स्टेट लेवल के अवार्ड विन किए हैं, कैमल आर्ट फाउंडेशन के अवार्ड विन किया और इंटरनेशनल अवार्ड विन किए हैं, और बहुत सारे एग्जीबिशंस में सर ने पार्टिसिपेट किया है, सोलो एग्जीबिशंस किए हैं और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स कैंप्स सर ने अटेंड किया है। और स्कॉलरशिप की बात करूं तो कैमल आर्ट फाउंडेशन इंडिया आर्ट स्टडी टूर 2008, विनर ऑफ कैमल आर्ट फाउंडेशन यूरो आर्ट स्कॉलरशिप स्टडी टूर 2012, और विनर ऑफ प्राइवेट स्कॉलरशिप यूरो आर्ट स्टडी टूर 2015, और वर्कशॉप इन पोर्ट्रेचर इन रशियन अकेडमी ऑफ आर्ट फ्लोरेंस 2015। ये बहुत ही सम अप करके मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है हमारे जो आज के गेस्ट आर्टिस्ट है। आपको बता दूं कि आज का जो डेमो है वो बेसिकली पेंसिल और चारकोल में होने वाला है, इसमें ग्रेफाइट चारकोल सभी का यूज होगा। और सर बेशक आज पेंसिल में डेमो कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा रिक्वेस्ट था कि पेंसिल में चारकोल में अभी तक कोई डेमो नहीं हुआ है, तो लेकिन सर ऑयल में भी वर्क करते हैं और बहुत अच्छा सर का ऑयल का भी बहुत जबरदस्त वर्क है। तो आप जाकर सर की आईडी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हैं इस डेमो के बाद, और सर का काम देख सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को वहां से मिलेगा। जो आईडी है वो मेंशन की गई है हमारे पोस्टर के ऊपर। उसी के साथ मैं वेलकम करता हूँ हमारे कलारम के फाउंडर महाराष्ट्र से निशिकांत पालांडे सर का, और कोलकाता से अचिंत्य हाजरा सर का, जिन्होंने कि ये कलारंभ का इनिशिएटिव लिया। और एक तरह से ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में आर्ट का स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और जो भी बिगनर्स है उनको एक डायरेक्शन मिले अच्छे से, उसकी उस विजन के साथ ये कलारम ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। और सभी आर्टिस्ट की हेल्प से, आप सभी की हेल्प से ये आगे बढ़ रहा है, और आप सभी जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर जुड़े हैं आज सभी का धन्यवाद करते हैं कलारम की ओर से। और अभी मैं हैंडओवर करूंगा अजहरुद्दीन ईमानदार सर को कि प्लीज आप अपने बारे में भी कुछ और बताना चाहते हैं तो वो इंट्रो देकर अपना डेमो शुरू कर सकते हैं। अजहरुद्दीन सर, सभी का धन्यवाद पहले तो, और ज़्यादा कुछ बताने को रहा नहीं, तो मुझे लगता है कि काम स्टार्ट किया तो अच्छा रहेगा जल्दी से, बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम दे सकते हैं, मतलब काम करने में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा फायदा होगा, बातें तो होती रहेंगी। तो सही है। तो सर का जो है इतने सालों का एक्सपीरियंस है, करीब करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आज हमारे साथ अभी साथ में शेयर करेंगे। तो सर आप अभी अपनी डेमो के ऊपर अपनी स्क्रीन को प्लेस कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं अरेंज कर लेता हूँ एक बार। यस बिल्कुल सर। तो सभी को मैं कहूंगा कि जो ये डेमो रहेगा बहुत ज्यादा देखना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है कि हो क्या रहा है, क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो ज्यादा फोकस जो टॉपिक है उसी के रिगार्डिंग अगर सवाल रहेंगे
तो अच्छा रहेगा। और ये डेमो तभी सक्सेसफुल रहते हैं अगर हम इन्हें ध्यान से कंप्लीट देखें और उसको ऑब्जर्व करें, तभी ये हमारे लिए फायदेमंद रहते हैं। और बहुत अमेजिंग आज का ये सेशन रहने वाला है, तो सभी से यही उम्मीद है कि सभी फोकस करेंगे। और कुछ भी सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप चैट बॉक्स में डालिए, और उसमें से जो भी रिलेटिव क्वेश्चन रहेंगे हम वो बिल्कुल आज सर से पूछेंगे। थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल सर, आप सर बताना अरेंज करिए। बस। हाँ जी सर, हाँ मुझे बताना कि फ्रेम में बराबर से आ रहा है या नहीं। बिल्कुल सर, आप उसे थोड़ा सा अपने अपने ऊपर रखने वाले हो ना सर, टिल्ट करके अपने बोर्ड को। हाँ 1 मिनट, वही तो मतलब पहले मैं ये अरेंज कर लूँ, उसके बाद फिर मैं देख सकता हूँ कि ठीक रहेगा जैसे ये। ये सही है सर, परफेक्ट, हाँ ठीक, सही है, सही है ना। हाँ तो बिल्कुल सही है। मैं आगे पीछे थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ वंशिका है यहाँ पर, वंशिका कनिष्ठा कोई? गुड यस सर, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। तो यस सर, आप, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मैं सभी को वंशिका जी का और कनिष्ठा जी का इंट्रो भी देना चाहूंगा। वंशिका मलिक जी फाइन आर्ट स्टूडेंट है चंडीगढ़ से, और कनिष्ठा जी फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं दिल्ली से, और कलारम की कोर टीम है उसका, इसका उसका हिस्सा है, और बैकएंड पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनका भी आप वेलकम करूंगा। और मैं कनिष्ठा जी से या वंशिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब से जितने भी कमेंट रहेंगे उनको मॉनिटर कीजिएगा, कोई सवाल रहेगा तो जरूर वो आप पूछिएगा सर। श्योर सर, ओके सर। हाँ मैं भी वेलकम करता हूँ दोनों का। हाँ परफेक्ट, तो यस अभी काम स्टार्ट करते हैं। यस यस, बिल्कुल। हाँ ओके। सर हम स्टार्ट करेंगे, मुझे पता है उसके बाद बहुत क्वेश्चन आएंगे यही मटेरियल के रिगार्डिंग, तो आप स्टार्टिंग हाँ में ही एक बार वो थोड़ा सा वो क्लियर कर हाँ दीजिएगा कि इसके लिए क्या हाँ क्या हमें रिक्वायरमेंट रह सकती है। बेसिकली नॉर्मल कैमलिन का पेंसिल है ग्राफाइट में। ओके सर, ओके। हाँ और कुछ चारकोल स्टिक्स है, ये जैसे ये सभी मटेरियल ऐसा है जो यूनिवर्सली यूज होते हैं और जो बेसिकली कहीं भी बिल्कुल मतलब अवेलेबल है। मिल जाते हैं। उसके बाद नीडेड है, नीडेड रबर जो होता है जो चारकोल के लिए बेसिकली ज्यादा यूज होता है। ये नॉर्मल फॉर्म है उसका जिस तरह ये है। ओके सर, कुछ ऐसे भी पेंसिल्स है जो छोटे हो चुके हैं काम कर करके ग्राफाइट में। और ये कुछ डेरवंट और दंडरल के पेंसिल्स है जो बेसिकली चारकोल के लिए खास बनाए गए हैं। इस पे चारकोल लिखा बिल्कुल होता है, ये जनरल यूएस है और डेरवेंट ये मेड इन इंग्लैंड है शायद डेरवेंट। तो ये पेंसिल्स है, इसमें बेसिकली काम होगा मतलब। बिल्कुल, और एक मतलब ये लिक्विड चारकोल भी है, बट मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या कैसे यूज करूंगा। बस मैंने लिया है सभी इधर, क्योंकि बिल्कुल काम करते हुए ना अलग अलग सिचुएशंस आती है कि जिधर हमको मूड होता है कि कुछ थोड़ा सा ड्राई ही ज्यादा करे, या तो कहीं मुझे स्ट्रोक्स चाहिए चारकोल मतलब। ये ज्यादा मैं यूज नहीं करता हूँ जो मैंने अभी दिखाया लिक्विड चारकोल, बट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं रखता हूँ हमेशा साथ में। ओके सर, और ये थंब पैड है जिसको हम पेपर स्टैम्प वगैरह ऐसे कुछ भी बोला जाता है, इसको मिक्सिंग के लिए यूज होता है। और कुछ बिल्कुल ब्रश है मतलब ऐसे मैं कभी कभी स्ट्रोक्स मर्ज करने के लिए पेपर पे यूज होता है। सही ठीक है। हाँ सही। तो पेपर और पेपर पेपर का भी एक बार तो बता दीजिए, नॉर्मल पेपर काट। ये बेसिकली मैं देखो इसके जो नीचे वाला पेपर है ये कार्ट्रिज है, मैं ज्यादातर कार्ट्रिज ही यूज करता हूँ, इंडियन है या तो इम्पोर्टेड है। आइवरी जो ओके होता है ना okay. ड्राइंग पेपर सही जो सही 250 180 के ऊपर जीएसएम होना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि ओके सर, उसका ग्रिप नहीं होता नहीं तो। अभी ये जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो कैनसन का है पेपर, ड्राइंग पेपर है जो 224 जीएसएम है।
ये वाला हाँ जो मैंने देखा कि थोड़ा स्क्रीन पे ब्राइट भी लगता है, ये अगर यूज करता तो थोड़ा डल था पेपर, इसलिए मैंने ये यूज करना चाहा पेपर। तो बेसिकली ये सेटअप है अपना, अभी हम काम शुरू करते हैं। सभी को मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि मटेरियल के बारे में इतना ही काफी है, तो इतने पेंसिल से और रबड़ से काम हो जाएगा। मेन क्या है, हम टेक्निक को समझे, ऑब्जर्व करें क्या है, और उसी से रिलेटेड ज्यादा सवाल रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेनली है कि हमें जो है लर्निंग करनी है और फोकस करना है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ड्राइंग रिलेटेड या तो कुछ टेक्निक रिलेटेड अगर सवाल हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, सबके लिए, कि मुझे बताना भी आसान हो जाएगा। बाकी तो कलारम पे बहुत से डेमो होते रहते हैं, तो वैसे सवाल तो मतलब जवाब बेसिकली वही होंगे, बस कुछ अलग हो तो मैं बता सकता हूँ उसमें मेरे साथ। ये रेफरेंस का लाइव कर रहे हैं क्या? लाइव नहीं है, ये स्क्रीन पे है, मैं एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। मॉडल अवेलेबल नहीं था इसलिए ये स्क्रीन पे है। ओके ओके ओके, हाँ ये रेफरेंस है। ओके हाँ ठीक है। एक बार देख लेना स्क्रीन अगर ठीक से ये हुआ है तो। परफेक्ट। सही है सर, सही है, ठीक है, ओके डन। अभी साउंड की जरूरत नहीं है, पेंसिल की साउंड आ रही है, पेंसिल उसके ऊपर चल रही है। तो बेसिकली सर स्केचिंग कर रहे हैं और हाँ इसको स्क्रिबल भी बोला जाता है, कि जस्ट एक रेफरेंस के लिए कि मुझे कहाँ क्या अरेंज करना है, इसके लिए थोड़ा सा प्लेसिंग कर रहे हो आप, है ना, जो फीचर्स हैं उसको प्लेस कर रहे हो। एग्जैक्टली अभी ये चारकोल स्टिक है, विलो चारकोल जिसको कहते हैं।
जिसको कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनको पढ़ के उनको बताएंगे। एक्चुअली क्या है, ये जो ये स्टेज रहता है ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेज रहता है पोर्ट्रेट में, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लेसिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वो काफी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर फोकस बहुत जरूरी रहता है, इसलिए सर बहुत ज्यादा उसमें फोकस कर रहे हैं। हाँ बेसिकली जो कैरेक्टर है मतलब ड्राइंग करते हुए हम उसको पकड़ने की कोशिश यही स्टेज में करते हैं, और उस बेस और सब में अहम बात होती है ड्राइंग, जो हम कैरेक्टर का अगर सही से स्टडी करते हैं तो हमारा ड्राइंग भी परफेक्ट हो जाता है उससे। तो इस तरह से एनवलप ड्राइंग और जेस्चर इस तरह से, पहला वाला जो मैंने प्लेसिंग किया था उसको थोड़ा सा मर्ज किया मैंने पेंसिल का, मुझे चाहिए था कि कहाँ आईब्रो लाइन हो कहाँ नोज हो, तो वो मैंने करके मैंने वो थोड़ा सा मर्ज कर लिया जिससे कि चारकोल में उसका इम्प्रेशन ना मिले ग्राफाइट का, कभी कभी ग्राफाइट अगर उस पर रह जाए तो चारकोल का इम्प्रेशन टोनल वैल्यूज निकालते हुए थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए मैंने वो मर्ज कर लिया थोड़ा सा। तो चाकुल से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आप कौन सा चाकुल यूज कर रहे हैं? ये विलो चारकोल है, इसको विलो चारकोल कहते हैं। ओके तो अभी अब जैसे जैसे और आर्टिस्ट ज्वाइन करते जाएंगे तो ये मटेरियल के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते रहेंगे, तो वो दोबारा से भी इसको डेमो को जाकर यूट्यूब से देखकर वो सब पता कर सकते हैं। ऑलरेडी मटेरियल के बारे में बात हो चुकी है, उसके बाद भी किसी ने ज्वाइन किया है तो जरूर इसको स्टार्टिंग से जो भी मिस किया है किसी ने तो दोबारा से इसको जाकर देख पाएंगे यूट्यूब पर जब सेशन ये खत्म हो जाएगा, और बाकी सेशन भी सेव है कलारम के यूट्यूब चैनल पर तो वो भी वहां से जाकर बाद में देख सकते हैं। ओके अलका, अलका मैम थे क्या? हाँ और कौन हो सकता है। गुड इवनिंग मैम। क्या बोले? गुड इवनिंग बोला मैम। गुड इवनिंग। और ये बहुत मजेदार मीडियम है, जैसा कि आज सर बात कर भी रहे थे कि ये स्टार्टिंग ही इसी से है ना, कलर पर जाने से पहले ये जरूर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसमें। बेसिकली फाइन आर्ट्स मतलब इसमें बेसिकली होता ड्राइंग एंड पेंटिंग है, तो हर एक चीज का स्टार्ट ही ड्राइंग से है, तो ड्राइंग बहुत जरूरी है। तो सर ये एक क्वेश्चन मुझे ये किसी ने पूछा है कि ग्रेफाइट और चारकोल को मिक्स नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, अगर ग्रेफाइट का लाइन अगर ये पेपर है पेपर पे ना एक पेपर का थिकनेस होता है, अगर मैं ग्रेफाइट यूज करता हूँ तो उसको थोड़ा सा हल्का सा ना पेपर डैमेज होता है हल्का,
तो वहां अगर हम चारकोल देखो, यहाँ अगर नजर आता है किसी को तो एक हल्की एक व्हाइट लाइन है जो वैसे ही रहेगी, अभी जो ज्यादातर वैसे ही रहेगी। तो ग्राफाइट का यूज इतना ही करना है, जब चारकोल अगर ज्यादा यूज करना है आपको, चारकोल में बेसिकली काम करना है, तो ग्राफाइट का थोड़ा कम यूज करो। ग्राफाइट बेसिकली एक सिल्वर होता है, मतलब वो डार्केस्ट डार्क नहीं होता, काला नहीं होता, ठीक है। और चारकोल ये नाम ही उसका चारकोल है, तो वो बहुत हाँ। तो अगर आपको चारकोल मीडियम में काम करना है तो ग्राफाइट का बस थोड़ा हल्का ड्रॉइंग के लिए यूज करो, और उसके बाद फिर आप ये करो चारकोल में ही ज्यादा काम करो टोनल वैल्यूज के हिसाब से। तो व्हाइट ऑब्जेक्ट को भी हम चारकोल में निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज का वैल्यू होगा ना कुछ, मतलब टोनल वैल्यू के अलावा आप ड्रॉइंग ही नहीं कर सकते कुछ किसी का, तो उसका शेड एंड लाइट, या तो उसका उस टाइम पे जो उस पे लाइट होगा वो उसी से डिफाइन होगा, तो वो होगा ही होगा। और बेसिकली हमें हर मीडियम को एक्सप्लोर भी करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई किसी मीडियम में कंफर्टेबल रहता है, कोई किसी में। अभी किसी का सवाल था कि चारकोल पेंसिल यूज करें या चारकोल स्टिक यूज करें बिगिनर, तो वो खुद से भी थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्या कहते हो सर? हाँ ये सवाल ऐसा है कि जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, पुल वाला पानी और नदी का पानी, पता कैसे चलेगा। तो बेसिकली आपको यूज करना पड़ेगा कि आप कंफर्टेबल, पर ये जो है ये क्लासिकल चारकोल है, मतलब क्लासिकल इन द सेंस एग्जैक्टली ऐसा वर्ड टू वर्ड मत लो। जब चारकोल यूज हुआ था तो पेंसिल नहीं है, आर्टिफिशियल है पेंसिल, ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है, ये नेचुरल स्टिक है ये वाला, तो जैसा कोयला आता है एग्जैक्टली, तो ये ग्रेप्स होते हैं उसी पे प्रोसेस करके, उसका मतलब जो मूली होता है उससे बनाया जाता है ये ज्यादातर। बहुत मजेदार है ये, इसको यूज करना। हाँ थोड़ा सेंसिटिव होता है, पर पहले थोड़ा बेसिक जो एक आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना हो, जिससे एक जेस्चर बनाना हो, या तो उसके लिए विलो चारकोल अच्छा है, और उसके बाद फिर आप फिनिशिंग के लिए पेंसिल यूज कर सकते हो। अभी सर आप ब्रश से इसको स्मज कर रहे हो ना? हाँ उसको मुझे हार्डनेस थोड़ा सा जहाँ जहाँ लगता है, या तो ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि प्लेन्स होते हैं ना हमारे हेड पे, हेड स्टडी में ना प्लेन्स होते हैं, यहाँ माथे पे एक प्लेन है, यहाँ एक मोल्डिंग है, तो मैं वो क्लीन मतलब क्लियर कर रहा हूँ ड्रॉइंग के हिसाब से। सही। और उसके साथ में मर्ज भी, मतलब जैसे आपने कहा वो टोनल वैल्यूज होते हैं हेड पे, तो उसका वैल्यू का भी मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मर्ज करके।
जितने भी आज तक सेशन हो चुके हैं कलारम पर, और उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि हमेशा सर आप करते रहिए, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है क्योंकि फील्ड बहुत बड़ी है। तो जितने भी बिल्कुल बिगनर्स हैं जो और काफी कम एज में अभी इस तरफ आ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि एक डायरेक्शन लेकर जरूर इसको अच्छे से स्टडी किया जाए। इधर उधर भटक, कभी ये किया कभी वो किया, उससे अच्छा है कि एक डायरेक्शन में इसकी स्टडी की जाए, तो वो काफी अच्छा रहेगा अगर सीरियसली आर्ट आर्ट को आर्ट फील्ड को देखते हैं तो। और एक और बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि कलारम ने स्कॉलरशिप अनाउंस की है जो कि अभी करीब 2.5 लाख से ऊपर तक की स्पॉन्सरशिप आ चुकी है अभी तक, और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है और कोई इसके लिए आर्टवर्क आपको फिजिकली सबमिट नहीं करवाना है। एक गूगल फॉर्म है, आपको वो फिल करना है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आपको आर्टवर्क सबमिट करवाने हैं। कोई भी मीडियम हो सकता है उसके लिए, और कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है। बेसिकली इसमें स्किल्स को जज किया जाएगा और आर्ट मटेरियल के रूप में, आर्ट क्लासेस के रूप में और कैश प्राइज के रूप में जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ इतने लिमिटेड लोगों को ही या आर्टिस्ट को ही वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जितने भी ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट को स्कॉलरशिप दी जा सकती है, कलारम कोशिश कर रहा है कि उनको स्कॉलरशिप दी जाए। और इसके बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो कलारम के यूट्यूब चैनल पर ही एक डिटेल वीडियो इसके बारे में बनाई है कि आप कैसे ये फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और गूगल फॉर्म भी आपको वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई और आपके नोन है और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको की नीड है आर्ट मटेरियल की, आर्ट क्लासेस की, और आर्ट के लिए वो काफी पैशनेट है, तो आप जरूर उनको फॉरवर्ड कीजिए। बिल्कुल भी अपने तक इसको सीमित मत रखिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी का फायदा हो सकता है। और इसका जो लिंक है आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने आर्टिस्ट ग्रुप्स में। इसकी लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है, उसके बाद इसको ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है, चारकोल को लाइट और डार्क टोनल में ही क्यों शो करते हैं, इसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट क्यों नहीं बना सकते? ये रियलिस्टिक है तो है, मतलब नहीं समझा मैं, तो सवाल नहीं समझा मैं। सर दिस इज द ओनली क्वेश्चन गिवन बाय समवन ऑन यूट्यूब। सवाल मतलब समझ नहीं आया मुझे क्लियरली। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट नहीं, पोर्ट्रेट बेसिकली रियलिस्टिक ही होता है ना, किसी का हम हेड बना रहे हैं तो वो रियलिस्टिक ही हो गया। और ये हमारे पास ना टाइम लिमिट होता है, या तो ये इसमें ना ज्यादातर पोर्ट्रेट स्केच होते हैं, जब पर्सनल वर्क होते हैं तो उसमें चाहिए उतना रियलिस्टिक कर सकते हैं, मतलब जितना डिटेल हम जा सकते हैं उतना जा सकते हैं उसमें। हाँ ऐसा होता है, तो उनका सवाल बेसिकली थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में। इसमें भी रियलिस्टिक वर्क बहुत ज्यादा जितना आप करना चाहें हो सकता है। आप जरूर एक बार सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है विजिट कीजिएगा और वहां पर वर्क देखिएगा, क्योंकि मैं पहले भी ये पिछले डेमोज में भी हम ये चीज बता चुके हैं कि ये जो डेमो होती हैं ये जरूरी नहीं है कि ये एक्चुअल स्पीड हो वो काम करने की, और इसमें एक्चुअल इसमें जो मेन एम रहता है वो टेक्निक समझाने का एम रहता है, वर्क कैसे किया जाता है वो इसका मेन फोकस रहता है। तो जरूरी नहीं है कि वो
जैसा कि एक फुर्सत में काम किया गया वर्क को वैसे ही वो वर्क को, तो ये चीज जरूर माइंड में हमेशा रखनी है कि जो डेमो है उसको इस तरह से लेना है कि उससे कितना हम टेक्निक्स के बारे में सीख सकते हैं। हमेशा आर्टिस्ट डेमो देते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, बहुत जल्दी वर्क कर जाते हैं, तो वहां पर कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं कि शायद हमें भी इतना जल्दी करना है या फिर ऐसे ही ब्रश इधर उधर मारने हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी क्या थिंकिंग है, क्या एक्सपीरियंस है, उसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, तो जरूर उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा और एक प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन में जेस्चर मतलब टोनल स्केच ही किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, तो बेसिकली इसमें टोनल वैल्यू का स्केच ही किया जाता है, उसको स्केच ही बोलेंगे। हाँ ज़्यादातर मतलब, क्योंकि जब हम स्टूडियो वर्क करते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम रहता है, तो हम उसमें और भी थोड़ा टाइम दे के काम कर सकते हैं, कई कई दिन भी लगते हैं कई पोर्ट्रेट्स को, तो होता है तो थोड़ा सा। तो सर आप ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं रखते हो? फिलहाल तो नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस आपकी शायद रहती है? हाँ ऑफलाइन है। सभी को ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये डेमो तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का होता है, लेकिन इसके पीछे जो गेस्ट आर्टिस्ट भी होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा इसके पीछे मेहनत होती है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है ऑनलाइन आने के लिए और उसको सब्जेक्ट को रेडी करना है प्रॉपर, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है कई बार, तो जरूर हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और जाकर जरूर एक बार विजिट कीजिएगा सर का इंस्टाग्राम अगर अभी किसी ने, क्योंकि सभी सोशली इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं और तो, लेकिन जब वर्क देखते हैं हम तो पता लगता है कि किस लेवल का वर्क है आर्टिस्ट का, तो जरूर देखिएगा जाकर एक बार, तो इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया है हमने पोस्टर में। और मैं तो सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बाद अगर हो सके तो ऑयल का भी कुछ वर्क दिखा सकेंगे तो काफी अच्छा रहेगा उसके बाद। मैं ठीक है देखते हैं। बेसिकली ये पहले जो मैंने किया वो जेस्चर था, मतलब फॉर्म मैंने भरे, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो डेफिनेशन है, मतलब हेड के जो मोल्ड्स होते हैं हेड में नोज के, इसके ये ज्यादा मतलब उसके मोल्ड पे ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ, मोल्डिंग। ओके उसके उसके लिए हमें अच्छे से उसका उसका स्टडी भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है उसका, एनाटॉमी का, है ना सर? हाँ मतलब ये बेसिक फंडामेंटल में ही आएगा कि आपको नॉलेज हो कैरेक्टर स्टडी के पहले, उसके बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उसका हमको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है।
तो सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपके शुरुआत के दिनों में जब आप सीख रहे थे कि कभी आप अभी कर रहे हो अधूरा है तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है और पूरा होने होते होते वो थोड़ा सा कुछ ऐसे डैमेज हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपके सीखने के टाइम में ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया आपने? बहुत बार, क्योंकि ये आर्ट आर्ट वर्क है तो हर बार आर्टिस्ट का मास्टर वर्क ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब ये मतलब बहुत ही नेचुरल चीज है कि तुमको किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ वो होता है। मतलब जितने भी मास्टर पेंटर है उनके हम बस मास्टर वर्क देखते हैं, बट उनको जो पसंद नहीं आए हैं या तो अलग थोड़े से उनको जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं आया है, तो वो ऐसे वर्क भी होते हैं बहुत सारे। और जब भी हम भी काम करते हैं तो हम बिल्कुल स्केचेस वगैरह करते हैं, पहले बहुत सी स्टडी करते हैं उसके बाद वर्क करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्केच अच्छा बन जाता है। हाँ, तो ये नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजें, तो हमें हमारा काम है कि करते रहें। एग्जैक्टली, ये रियाज का पार्ट है कि आप कितना उस पे ध्यान देके करोगे तो वो होगा। तो मेरे जैसे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वही जो आपका कहना है कि हम आर्टिस्ट का काम तो देखते हैं लेकिन वो होता है वो सिलेक्टेड वर्क, और जो उसके पीछे इतना काम किया रहता है, अगर किसी आर्टिस्ट के पास जाकर देखे तो भरा रहेगा वो प्रैक्टिस के लिए वर्क, जो भी अच्छे आर्टिस्ट रहेंगे वो हम नहीं देखते हैं। और फिर हमारी हमारी हो सकता है ये कंप्लेंट रहे कि हम हमसे अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ नहीं, लेकिन उसके पीछे हमारी हो सकता है कि हमारी रियाज की कमी है, हमारी प्रैक्टिस की कमी है, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना सर? एग्जैक्टली, आपने मतलब जवाब ही दे दिया ना। मतलब ये एक बहुत नेचुरल चीज है, लाजमी है कि आप कोई भी आर्ट फॉर्म, आप सिंगर लो या कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई किसी भी आर्टिस्ट को ले लो, वो कहेगा ही कहेगा कि रियाज कम हो रहा है, ये वर्ड आएंगे। बस अपने इसमें मुझे ज्यादा सुनाई नहीं देता रियाज, ये वर्ड ये होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ही बहुत ज़रूरी। इवन डॉक्टर खुद कहते कि हम प्रैक्टिस करते हैं, सही है ना? मतलब बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं फिर भी वो कहते हैं कि हम प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करते, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई कंप्लीट है। मतलब मैं मानता नहीं हूँ इस बात को कि हर एक आर्टिस्ट एक प्रोसेस में ही होता है, बस एक थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस, मतलब जैसे मीडियम हो, टेक्निक्स हो, उसमें आगे चले जाते हैं और फिर उसके बाद उनका आर्ट कहीं ज्यादा, मतलब टेक्निक से ज्यादा आर्ट निखर के आता है। पहले तुमको टेक्निक सीखना पड़ता है उसके लिए। सही है, तो इन्फ्लुएंस होते हैं, तुमको किसी आर्टिस्ट का काम अच्छा लगता है तो उनका इम्प्रेशन होता है तुम पे, तो ये सब चीजें होने के बाद ही वो डेवलप होगा। तो कलारम का जो मोटिव यही है कि एक अभी जितने भी आर्टिस्ट ग्रो कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन मिले अच्छे, अगर हम अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो इंडियन आर्ट है उसी का स्टैंडर्ड जो है हाई होगा और आने वाले टाइम में एक अलग मुकाम इंडियन आर्ट का हो सकता है जो कि एंशियंट टाइम में भी रह चुका है। तो इसीलिए यही मोटिव है, इसलिए ये बार बार बताने की कोशिश की जाती है कि हम में ही कमी कहीं कमी है, वो हमें देखना है, उसको हमें उसके ऊपर वर्क करना है। सही है। किसी का सवाल था ये, तो काफी डिटेल में इसके ऊपर बात हुई है तो जरूर उनको आंसर मिला होगा। स्लो बिल्डिंग करते हैं इसमें, है ना सर? ऐसा नहीं है कि एकदम से हम डार्क करेंगे या एकदम से इसको फाइनल। हाँ, क्योंकि ग्राफाइट में तो हम थोड़ा सा ड्राइंग को थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं हल्के से ये,
चारकोल का ये होता है कि एक बार वो पेपर पे लग जाए ना तो उसका इम्प्रेशन निकलता नहीं है, मतलब वो एक बार हाँ एटलीस्ट वो डार्क ही रहेगा, मतलब टोन उसका चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा स्लो और ये प्रोसेस बहुत अच्छा है सीखने के लिए, मतलब एक जो बिगिनर्स है या तो जो करते हैं ना उनको स्टार्ट करना है थोड़ा सा, तो उनके लिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोल्डिंग कैसे की जाती है। मोल्डिंग कैसे? हाँ बहुत अच्छे से आ रहा है निकल के सर। तो अक्सर जितने भी डेमो होते हैं ऑनलाइन मैंने देखे हैं या फिर हमारे कलारम पर भी होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेरीज आर्ट मटेरियल को लेकर ही रहती हैं। और लेकिन कलारम का यही एक उसमें कुछ ऐसा बुराई भी नहीं है क्योंकि एक टेम्पटेशन रहती है कोई भी बिगनर होता है आर्ट मटेरियल के बारे में, लेकिन कलारम का यह फर्ज बनता है कि बार बार इस बात को रिमाइंड करवाना कि आर्ट मटेरियल के नॉलेज मिलती रहेगी कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन जो अभी इतना इम्पोर्टेंट किसी भी आर्टिस्ट का डेमो चल रहा है तो बहुत ज्यादा फोकस ये रहना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसीलिए बार बार हमारा फोकस यही रहता है कि उसके बारे में ज्यादा बात हो, आर्ट मटेरियल के बारे में भी आपको पता लगता रहेगा और जो भी क्या इसमें फिक्सेटिव यूज होगा या जो भी वो एंड प्रोसेस है जैसे ये खत्म होगा तो हम जरूर सबसे पूछेंगे। इसमें जो ब्रश ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है वो मोस्टली सिंथेटिक रहता है या हॉगे रहता है? दोनों भी यूज होते हैं, बस अभी मैं सिंथेटिक कर रहा हूँ ये वाला छोटा फिल्बर्ट है, तो ज्यादातर ये हो रहा है, पर हॉग हेयर भी होते हैं अगर थोड़ा सा मुझे रफ मतलब पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा ये करना है। बेसिकली ब्रश का ज्यादा रोल नहीं है इसमें, हाँ कोई भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा अगर रफ आपको ज्यादा सरफेस पे से टोन हटाना है या तो आप हॉग हेयर यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को आर्ट मटेरियल के बारे में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो जो ये वीडियो अपलोड होगी कलारम के यूट्यूब चैनल पर उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक हम शेयर कर देंगे,
तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे वहां पर, तो उसके बाद डेमो के बाद आपको देख पाएंगे। तो अभी सर आप जो नीडेड इरेजर है उससे उसको लिफ्ट कर रहे हो? हाँ मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, बट उसके दबाव पे है कि हमको कितना टोन वहां से हटाना है, तो इसके लिए नीडेड का पॉइंट है, हमको अलग अलग तरह से यूज करना होता है। तो ये जो नीडेड इरेजर रहती है इसका कोई भी हम शेप बना सकते हैं, कैसा भी पॉइंट बना सकते हैं अपने दुकान। हाँ, exactly. अच्छा राहुल, रेवाड़ी में सोना से बोल रहा है, रेवाड़ी में एक क्वेश्चन जो है ना लगा है, अहमदाबाद तो चली गई होगी तुम्हारी? हाँ नहीं गई है, क्वेश्चन तुम्हारे पास है? अच्छा ज्यादा पेंसिल यूज हुआ रहेगा तो ज्यादा इरेज नहीं होगा ना वो? नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफाइट अगर बेस में ज्यादा यूज हुआ हो तो नीडेड थोड़ा सा डिफिकल्टी देता है, हल्का सा, इसलिए मैंने पेंसिल को हटाया था स्टार्ट में ही, थोड़ा कम किया था उधर से। ओके मैं जितना स्लो कर सकूं उतना स्लो कर रहा हूँ, जैसे कि समझ पाए हर एक को, समझ आए कि बेसिकली प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस बहुत जरूरी है रिजल्ट से ज्यादा, कि हम कर किसी लिए है, मतलब डेमो का बेसिक पर्पस क्या है, कि हम बता सके कि ये मीडियम कैसे यूज होता है, या तो पोर्ट्रेट में, मतलब दोनों भी, सब्जेक्ट वाइज और ये दोनों। सही सही सही। वाह बहुत खूब सर, बहुत खूब।
इसके दबाव पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ये प्रैक्टिस से ही होगा। इसका जो दबाव होता है नीडेड का, वो अगर कम ज्यादा होता है तो आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। मतलब और मैं प्लेन्स के, मतलब जैसे हम पोर्ट्रेट ब्रश से करते हैं ना, उसके प्लेन्स करते हैं, तो मैं ये मोल्ड कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। ये वाला मतलब मैं बस ऐसा यूज नहीं कर रहा हूँ, उसको अलग अलग तरह से मैं मोल्ड कर रहा हूँ अपने हिसाब से। जैसे मुझे स्ट्रोक चाहिए, वहां का स्ट्रोक चाहिए, इस हिसाब से मैं चेंज कर रहा हूँ। Amazing, amazing. ये भी एक इरेजर ही है, इरेजर है, हाँ सेम, ये पेन जैसा होता है, इसको हल्का आपको ये करना, मतलब बिल्कुल लाइंस लाइंस मिल जाएंगी इससे ना सर। एग्जैक्टली, मतलब आपको हार्ड स्ट्रोक जहाँ चाहिए ना, हार्ड वाला, वो आपको क्लियर हो जाता है इससे। चारकोल में हम कितना भी अप एंड डाउन जा सकते हैं ना, मतलब हाँ, बेसिकली पेपर पेपर और चारकोल का इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए। अच्छा। कि हमको, हाँ, अगर इतना काम करना है तो उतना ही फोर्सफुली। अगर मैं पहले ही अगर जनरल की पेंसिल हार्ड यूज कर लेता हूँ पेपर पे, एकदम हार्ड, तो वो मैं मिटा नहीं सकता। अच्छा। वो नहीं मिटा सकता। हाँ, तो हमको पहले डिसाइड करना होता है कि हमको कहाँ तक काम करना है, तो फिर उसके हिसाब से हमको पेपर पे वो हिसाब से फिर काम आगे जारी रखना पड़ता है। अगर मान लो ज्यादा लिफ्ट हो गया वहां से इरेजर यूज करके, तो दोबारा टोन है ना, ये देखो, ये ऐसे टोन है, या तो फिर आपके पास ना थोड़ा सा घिसा होना चाहिए चारकोल, थोड़ा सा हल्का सा। तो मैं बार बार देखो, मैं हाथ से ऐसे कर रहा था, तो वो राजेश जी, शायद आपको इसका आंसर मिला।
ये बेसिकली मैं पेंसिल जैसा ही यूज कर रहा हूँ, ये वाला, मतलब मैं जब ज्यादा यूज नहीं करता हूँ ये वाला, पर मैं बताना चाह रहा था हर एक चीज डेमो में मैं ये ज्यादा यूज नहीं करता हूँ पर्सनली, हाँ मेरे पर्सनल वर्क के लिए, बट मैं चारकोल यूज कर रहा हूँ तो हर एक चीज जो मार्केट में अवेलेबल है वो दिखा रहा हूँ कि क्या क्या यूज होता है जब। बहुत बहुत अच्छा डेमो ये जा रहा है, खासकर लर्निंग पर्पस से अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया डेमो आज का ये। मेरी कोशिश ही यही है कि ज्यादा समझ आए, ड्राइंग का महत्व ज्यादा हो और मीडियम उसके बाद आता है, मतलब मैंने जैसे बोला था कि आप ड्राइंग पे ज्यादा फोकस करो, मीडियम वगैरह तो ये बाद में आते आने वाली चीजें हैं। लग नहीं रहा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन दे रहे पता नहीं बात कर चुका हूँ ऑनलाइन, पर मैंने डेमो कभी नहीं दिया था ऑनलाइन, मतलब ऐसे काम नहीं किया था ऑनलाइन कभी, किसी ग्रुप के साथ बात तो हुई थी लास्ट। दूसरा डेमो निशिकांत सर आज का ही है एक डेमो हमारा पहले हो गया पर्सनल हाँ मैं सीखा उसके उस टाइम पे सीखा मैं कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है क्या बात है, कुछ ने तो एडवांटेज ले लिया तू अपने कुछ लिक्विड चारकोल का भी बोला था ना अभी। हाँ मैं वो अगर मुझे लगा कि यूज करना है तो ही मैं यूज करूंगा, वो मैं बोला था, देखते हैं अभी आगे अगर मुझे लगा तो मैं यूज करूंगा। ज्यादातर ऑथेंटिक जो चारकोल है वो लिक्विड नहीं होता, मतलब जो ऑथेंटिक चारकोल किया जाए वो लिक्विड, लिक्विड अभी आया है मार्केट में। चारकोल का एक अलग मजा है, वो 100% टोन हम निकाल सकते हैं उसके अंदर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो नए लोग ज्यादा लिक्विड के चक्कर में मत रहना, खर्चा वर्चा थोड़ा बचा के रखो है उसका भी, पर वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो फील है जो वाटर कलर या ओपेक में जो आता है ना वैसा ही लिक्विड चारकोल का फील है, तो बेसिकली इतना कुछ फायदा है नहीं उसका। फैंसी मीडियम है एक्चुअली। हाँ ये परफेक्ट वर्ड है सही। अच्छा जो सभी लोग मटेरियल के बारे में पूछते हैं ना उसका रीजन भी यही है सर, मार्केट अच्छा। में इतना कुछ आ गया है ना सर। हाँ। जो कोई नया एंटर कर रहा है उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है इसके लिए बेसिक फंडामेंटल पे ध्यान दो, जो बेसिक फंडामेंटल में चीजें वो करो तो अपने आप पता चलने लगेगा कि आगे करना क्या है, करना क्या। हमारे इधर प्रॉब्लम ये है सोशल मीडिया का या तो अभी जो सब मिल रहा है ना उससे क्या हो रहा है ना, कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे लोग, तो जो बेसिक चीजें है उसको पहले सीखो, जैसे म्यूजिक में सारे गम अप होता है उस टाइप में अगर सीखोगे तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएगी एक्चुअली अरविंद आपको याद रहेगा कि हम कॉलेज में थे शायद तब एकदम लिमिटेड सोर्सेस थे हमारे पास, मतलब exactly. चारकोल देखेंगे तो पेंसिल का बात ही नहीं है, हमें ही मिलेगा हाँ पेपर की बात करेंगे तो कार्टेज पेपर और हैंडमेड पेपर के अलावा कोई पेपर एक जापानीज आइवरी आता था, जापानीज नॉर्वे आता था, जापानीज टिक है हाँ, उसका नाम नॉर्वे था बट वो हिमालय नाम के शॉप में एक जापानीज नॉर्वे नाम से एक पेपर आता था बहुत पहले सबसे सबसे हाईफाई पेपर था हमारा 6 रुपीज का हाँ और उसके बाद वो एक पेपर आया जो 15 रुपीज का था 15 रुपीज
तो उससे क्या हुआ कि 15 रुपीस में शार्पनर भी नहीं आता यार। नहीं वो उस टाइम पे 15 भी ज्यादा वैल्यू था, ज्यादा वैल्यू थे उधर, इसलिए हम 1 रुपीस का ही लेके जाते थे वो। उस टाइम पे पोर्ट्रेट लैंडस्केप कंपटीशन ऑन द स्पॉट होता था, 1000 रुपए अवार्ड होता था उसके लिए। 1000 200-150 किलोमीटर हम ट्रेन से, बीस से, ट्रेन से, बस से, टमटम से, ट्रक से जाते थे। अभी ऑनलाइन हो गया ना एवरीथिंग, घर में बैठे मिलता है सबको। हाँ एग्जैक्टली, कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी। अभी बहुत सारा मटेरियल भी हमें मिल रहा है अच्छा जो काम कर रहे हैं, पर जो अच्छा नहीं काम कर रहे उनका काफी खर्चा हो रहा है। सही है, जब काम अच्छा नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि अच्छा मटेरियल, अच्छा मटेरियल नहीं, काम अच्छा हो जाएगा। वो बेसिकली चीज ऐसी है ना, मैं बहुत से टाइम देखता हूँ जो बाजार में जो बांसुरी बेचते हैं ना लोग, उनके पास जो वो जो बांसुरी बजाता है ना, लोग वो मांगते हैं कि हमको ये दे दो क्योंकि वो अच्छी बजेगी। ऐसा अपने इधर है थोड़ा सा कि ये काम क्यों अच्छा हुआ, तो वो मटेरियल अच्छा यूज किया इसलिए हुआ। वो ये नहीं देखते कि कितना टाइम दिया है, कितना उस पे एफर्ट, उनका स्टडी क्या है, तो ये सब चीजें भूल जाते हैं लोग। और हर समय होता है, हम भी उस दौर से गए हैं, हम भी क्यूरियोसिटी उसमें दौर से गए कि हाँ सही है, क्लींसर कौन से पेपर यूज करते थे। हाँ तो हम भी गए, ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। हाँ। तो दौर आने के बाद आप आर्टिस्ट को टच करेंगे, आप आर्ट को सही सही मायने में समझेंगे, जिस दिन आप मटेरियल के बारे में क्यूरियोसिटी कम हो जाएगा। हाँ सही है, उस टाइम पे आर्टिस्ट से अभी जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो आपको रिप्लाई आ जाता है वगैरह, उस टाइम पे कॉइन बॉक्स होता था तो उसपे बात करने के लिए मतलब उनको मिलने के लिए 6-6 महीने लगते थे किसी आर्टिस्ट को। सही कहा आपने, हाँ तो आसान नहीं था। तो वही है कि हर चीज का एक अलग मजा है, तो उतने एफर्ट लेते थे और इतने 6 महीने के बाद भी, मिलने के बाद भी उतना ही उनके दौर में रिस्पेक्ट था, अगर उनका अगर बात करेंगे तो। हाँ, वो मजा ही अलग था। ऐसा नहीं कि अब मिल रहे तो भी हमारा रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं बोलते कि बहुत भाव खा रहा है कुछ, अभी थोड़ा भी थोड़ा भी कुछ करते तो वो लोग फिर बोलते कि फिर ईगो पे आ जाता है, कर देते लोग तो ईगो पे आ जाता है। आपको सीखना है तो बहुत आपको एफर्ट लेने पड़ेगा सबको। हाँ पर उसमें रिस्पेक्ट हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि आसानी से मिल रहा है ना, तो उसका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो चीजें अगर है तो फिर देने में भी हमको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। वैल्यू नहीं करता है चीजों की। हाँ अगर किसी को सीखना है तो आप उनसे ये बात नहीं कर सकते, भैया मुझे कैसा हो रहा है, मुझे ये सीखना है आपसे। आप उस तरह की टोनिंग नहीं यूज कर सकते। आपको अगर सीखना है किसी से तो आप सर करके बोलेंगे, सर मुझे प्लीज बता दीजिए। भले वो उस लायक हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप उससे चाह रहे किसी भी आर्टिस्ट से सीखना, तो स्टार्टिंग भी आप उसी द्वार करें कि सर मुझे आपसे ये जानना चाह रहा है, तो हाई डियर, हाई ड्यूड, हाई ड्यूड, हे ब्रो। और दूसरा ये होता है ना, कभी कभी बहुत से आर्टिस्ट फ्रीलांसिंग भी करते हैं, मतलब काम में होते हैं, बिजी होते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, या तो फिर तो वो उसका गलत मतलब भी निकलता है कभी कभी कि रिप्लाई नहीं दिया, ये नहीं किया, तो वो उसके पीछे रीजन अलग अलग होते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टूडियो वर्क में बिजी है, अभी काम कर रहे हैं तो मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, या तो कुछ है, तो थोड़ा सा वो भी समझ लेना जरूरी है लोगों ने। सबसे नहीं तो हमारे मधुसूदन सर को कॉल करके देखो। पता पूछो मत, मधुसूदन को ढूंढो या भगवान को ढूंढो, सेम थिंग है। तो आर्टिस्ट उसी मूड में रहते हैं, वो काम के मूड में रहते हैं एक्चुअली, तो जब तक आर्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप आर्टिस्ट को नहीं समझ पाएंगे। और किसी ने पूछा था सर रियलिस्टिक क्यों नहीं बनता, तो अभी आप देख ही रहे हो रियलिस्टिक बन रहा है। उसमें और एक बताना चाहता हूँ कि पेशेंस ही नहीं है देखने का कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बिल्कुल हाँ, उनको पहले स्ट्रोक में ही ये सवाल हुआ तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे क्या बोले अभी। नहीं आई थिंक उसे सवाल पूछने में कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ एग्जैक्टली, मैंने बोला भी है कि
शायद उनका सवाल थोड़ा सा अलग है कुछ, वो जो पूछना चाहते थे वो वर्ड्स में रख नहीं पाए शायद। मुझे उनको लगता है उन्होंने जो देखा रहेगा उसके एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस टाइप का देखा नहीं रहेगा, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू देखने का शायद वो होता है ना कि उनके नजदीक वाले जो आर्टिस्ट होते हैं या जो तो उस उनको पता चलता है कि चारकोल यूज करा तो ऐसा नहीं निकलता रिजल्ट। तो नहीं 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 मुझे लगता है कि उनके हिसाब से ना रियलिस्टिक का मीनिंग अलग हो सकता है, मतलब उनको पूछना कुछ है वो पूछ अलग रहे ऐसा। चलो ठीक है फिर छोड़ देते हम अपना क्योंकि रियलिस्टिक से रियलिस्टिक वर्क से तो सोशल मीडिया भर चुका है अभी तो ये थोड़ा सा वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत अच्छा हुआ है। नमस्कार मोहन सर। नमस्कार नमस्कार, सबकी बातें सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है, वेरी नाइस। सर आप सबसे पहले आके बोला करो, आप चुपके से आके बैठ जाते हो। हाँ चुपके से नहीं पाके ऐसे उनको लगता है वो फिर बाकी लोगों को बोलने दे देंगे। अरे बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे दोस्ती है अजरुद्दीन, बहुत फ्रेंड दोस्ती हमारी जैसे उन्होंने अभी बताया कि लैंडस्केप कंपटीशन के लिए हम पूरा महाराष्ट्र भर घूमते रहते थे, पूरा महाराष्ट्र मतलब 1000 रुपए का प्राइस रहता था लेकिन खर्चा होता 2000 खर्चा होता था। हाँ मजा अलग था, मजा अलग था। हमारी पहचान है, बहुत प्राइजेस भी इतनी कंपटीशन भी नहीं होती थी जितनी अभी होती है ना। अभी उल्टा कम हो रही है कंपटीशन, पहले बहुत होती थी। हाँ बहुत होती थी, हर वीक एक एक कोई कोई अपना डालता है इतना मिलेगा। वो लेवल अलग था, मतलब वो जो कॉलेज लेवल जो एक था वो थोड़ा सा अलग लेवल पे जाता था वो वर्क सब का। आप देखो ना अलका जी, अभी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टा है, इस वजह से हर कोई हर किसी आर्टिस्ट को जान पाता है, मतलब हाँ चलो इस तरह इसका काम इस तरह का है, उसका काम इस तरह का है। लेकिन उस वक्त ना ये कुछ था तो हम लोग कॉम्पिटिशन के टाइम ही मिलते थे सभी दोस्तों से। हाँ बस एक्चुअली उसके लिए ही जाते थे कि कुछ यस यस अलग अलग कॉलेज के। उस वक्त जो भी दोस्त बने हैं काम की वजह से, उनके काम के पहचान की वजह से अभी तक वो दोस्त है सब। हाँ तो मैं कमर्शियल आर्ट में था तो मुझे बहुत पेंटिंग का शौक था, मैं मुझे आता नहीं था लेकिन मैं कोई भी कंपटीशन हुए तो उधर जाता था मैं, क्योंकि वो जो स्टूडेंट आते थे इतना जबरदस्त काम करते थे सब, उधर माहौल होता था, दिवाली होती थी, दिवाली आर्ट की दिवाली मतलब उधर। सही सही, लेकिन ऐसी जगह पे बहुत सीखने मिलता है। हाँ अभी भी तो बहुत कम हो गया लेकिन कहाँ कहाँ पे चालू है, लेकिन इतना जो वो दौर था वो शायद बहुत कम हो गया उस। रोहित जी थैंक यू कर रहे हैं अजहर सर आपका और सभी का, सभी आर्टिस्ट जो भी कलारम से जुड़े हैं सभी का धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू रोहित जी। और उस वक्त कैसा था कंपटीशन के वक्त, ना किसी के पास मोबाइल ना किसी के पास कुछ था, कुछ तो मतलब इतने साल काम किया, इतने स्पॉट घूमे, इतने कंपटीशन अटेंड किए, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं हमारे पास, ऐसा ऐसी हालत है फिलहाल। ऑर्गेनाइजर कभी फोटो देंगे उस पे हम कितना बार उनको फोन कर करके प्लीज फोटो दे दीजिए, प्लीज फोटो एक फोटो के लिए आज मतलब काम करते करते 10 फोटो आ जाते हैं। काम होना अभी फोटो आता है। यस यस अभी फोटो के लिए काम करते हैं बाकी छोड़ो। हंसो मत अलका जी मुझ पे, सॉरी। नहीं यही है ना, अगर समझो किसी एक जगह का नाम है कि वहां पे कंपटीशन होने वाली है तो आज पहले से ही उस लोग सर्च कर लेते कि वहां के स्पॉट कैसे है। यस यस वो उस नहीं और तो मजा और ना ऑथेंटिक जेन्युइनली ऑन द स्पॉट होते थे। यस यस अभी तो जैसे हम बहुत बार हम देखते हैं अभी भी कभी कभी डेमो के लिए जाते हैं किधर या फिर किसी कॉम्पिटिशन के लिए भी कभी जाते हैं तो देखते हैं कि स्पॉट सामने फिर भी मोबाइल में फोटो खींच के मोबाइल में देख के पेंटिंग कर रहे रूम पे जाके मोबाइल पे फोटो खींचेंगे फिर मोबाइल देखेंगे तो मतलब ही नहीं है ना कुछ। तो उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी इसीलिए एग्जैक्ट स्पॉट वाला ही काम होता था वहां पे। नहीं बस और सीरियसनेस जो था ना जो सीनियर लोगों का काम देखने का मिलता था कुछ साल पे मतलब हमारे से जो सीनियर है
वो जो काम लेवल का करते थे वो इतना मतलब मायने रखता था उस टाइम पे, बहुत जेन्युइनली लोग फॉलो करते थे कि सीनियर को काम, हर एक पता होता था कॉलेज में कि हर एक कॉलेज का सीनियर में इसका काम अच्छा है, तो वो अलग लेवल होती थी, माहौल होता था। तो हमारा कलरम का यही मोटिव है क्या एग्जैक्टली क्या है कि मुझे मालूम है, मैं उस दौर से गया हूं, तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट है वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है, तो लोगों का प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि सोशल मीडिया से ही वो जज करने लगे आर्टिस्ट को, तो वो गलत बात है, वो उनको पता ही नहीं जो फिजिकली या ऑन द स्पॉट जो काम करते हैं उनका क्या स्ट्रेंथ होता है। वो स्ट्रेंथ हम दिखा रहे कि कोई भी आर्टिस्ट, अभी ये फर्स्ट टाइम हमें ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन देता है उनका, वो ये नहीं है तो काफी, तो भी वो एकदम घुल मिल के वो सब बता रहे क्योंकि उनका हाथ बोलता है, बातें तो करते रहेंगे लेकिन अभी तो, अभी तो इतने कभी कभी लोग के सवाल आते हैं, जैसे हमारा आर्ट सोसाइटी में चल रहा है ना ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हैज टू बी लाइव, इतने लोगों को वो करना था और नहीं वो लोग पूछ रहे लाइव यानी जूम पे आके लाइव करेंगे। Literally, I have received such questions. I was like shocked कि ये कैसे आर्ट स्टूडेंट है जिसे पता नहीं है लाइव क्या होता है। नहीं उनका भी तो प्रॉब्लम नहीं ना मैम, क्योंकि कोरोना ने, हाँ मतलब प्रॉब्लम ये है कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे तो कुछ लोग मेरे पास स्टूडेंट आए थे, उनको तो पता ही नहीं है कि लाइव कैसे करते है। हाँ वही तो ना, वो लोग समझते हैं मतलब उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये अपन खाली जनरेशन पे बात नहीं कर सकते, ये हाँ। सब ये भी चीजें है उसमें, इंस्टीट्यूट वाले कॉलेज वाले भी, हाँ क्योंकि वो उनके हाथ में कुछ नहीं था उस टाइम पे, बंद रखना ही था, तो उन्होंने ऑनलाइन इस तरह से लिया कि उनको फोटोग्राफ से ही करना पड़ा बहुत सी चीजें। अभी क्या हो रहा है मालूम है, फिलहाल आर्ट कॉलेज भी है ना, बस अभी असाइनमेंट के पीछे लगेंगे और साल भर का असाइनमेंट पूरा करो, हमारे वक्त भी था लेकिन हम उससे हट के कोशिश करते थे बाहर निकल के कुछ करने की। आप बहुत अच्छे थे, बाकी सब खराब थे। अरे वैसा नहीं बात कर रहा, आप सुनो जा भी, मतलब इन्होंने बताया इसीलिए मैं चीजें बता रहा हूँ, उसको क्या क्या हालत थी। अलका जी अमोल सर का ऐसा बोलिए, तो हमारे फेवरेट है ना। नहीं पर ये बढ़िया है कि ये एक्सपीरियंस आज शेयर किया आपने, कि हमें पता लगे कि हमारे जो मास्टर है वो मास्टर कैसे बने, है ना। हाँ ना, पता लगा तो मुझे भी बता। और अलका मैम आपको भी मैं कंग्रेचुलेट करूंगा कि मतलब जिसको नहीं पता ना, जैसे आप कंपटीशन रखते हो उससे कम से कम इतनी अवेयरनेस तो होती है कि पता लग जाता है कि हाँ, मतलब लाइव है क्या, अग्री, तो अग्री। वो काफी अप्रिशिएबल है, उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। किसी ने पूछा है कि कॉलेज करना कितना जरूरी है एज आर्टिस्ट बनने के लिए। बहुत जरूरी है, स्कूल में जाना जरूरी है, कॉलेज नहीं। नहीं नहीं सर, हंसो मत सर, कोई सीरियस बात है, कोई एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, फंडामेंटल कहाँ सीखेंगे फिर आप, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अपने इधर बहुत, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, ये हूँ सब कहते हैं सही है, पर ना कुछ कसर रह जाती है। हाँ मुझे खुद को पता है कितना रह गया है, तो जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप अचीव कर सकते हो, मतलब आप अचीव कर सकते हो, बहुत वक्त लगता है। हाँ आजकल मतलब मिल रहा है कि बहुत से एकेडमी है, ये है जो प्राइवेटली भी दे रहे हैं, तो पर एजुकेशन बहुत, कहीं से भी लो आप, पर सीखना बहुत जरूरी है। राइट, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि एक्चुअली कॉलेज मतलब हमने किया इसीलिए जरूरी, ऐसा नहीं है कि कॉलेज में क्या होता है कि आपको एक सिस्टमेटिक आप जाते हैं फंडामेंटल से, फिर धीरे धीरे एडवांस तक लेके जाते हैं, लेकिन हम खुद से सीखते हैं ना तो हमें डायरेक्शन नहीं मिलता, वो हम डायरेक्ट एडवांस स्टेज पहले लेते हैं, फिर उसमें बाद में कुछ तकलीफ होता है तो फिर रिटर्न बेसिक पे जाते हैं, फिर बेसिक में प्रॉब्लम, ऐसा उल्टा पुल्टा करके बहुत आपको टाइम लगता है, बहुत मतलब आपको लर्निंग के लिए बहुत टाइम लगता है, और एक ऐसा एक स्टेज आता है कि आपको लगता है कि मैं मास्टर बन चुका हूँ, तो पता नहीं चलता कि आप कब प्रॉपर हुए या नहीं हुए। कॉलेज करने वाले भी मास्टर बनते ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत सही है,
लेकिन उनको मालूम होता है कि मेरा क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, वो फिर दिखाते नहीं। भले उनको ड्राइंग नहीं आता रहेगा, कुछ नहीं आता, लेकिन उनको मालूम है मैंने भाई प्रैक्टिस नहीं किया है कॉलेज के टाइम, इसीलिए मुझे नहीं आ रहा है। आपको एक सही डायरेक्शन मिलना कॉलेज मिलता है। हाँ, फिर बाद में आप पूछेंगे सर फिर जेजे में ही अच्छा आर्टिस्ट बनता है क्या या रेजा में बनता है, वो डिपेंड करता है आप खुद कितना एफर्ट लेते हैं। तो हाँ, ये बहुत जरूरी है, सिखाया सब जगह जाता है, सिखाया सब जगह जाता है, आप एफर्ट क्या लेते हो वो आप पे है, डिपेंड करता है कि आप कितना अचीव कर सकते हो उसमें। करेक्ट, क्योंकि हर कॉलेज में अभिनव से मास्टर लोग निकले हैं, भारती से निकले हैं, रे जैसे जेजे से, बहुत ऐसा सौ से सौ में से सौ मास्टर लोग निकले ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। हर कॉलेज में एक दो ही लोग होते हैं जो जाने जाते हैं उनके एफर्ट के हिसाब से। बिल्कुल, बाहर की बात करें जब हम खुद सीखते हैं तो बहुत जो बहुत ज्यादा ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं उनको ही बहुत ये मिलता है, लेकिन हम कॉलेज में जाते हुए हम 4-5 आवर्स आर्ट के लिए नहीं दे सकते ना, घर में बैठ के थोड़ी 4 साल हम देंगे आर्ट के लिए, हमें दूसरा काम आएगा, हम वो करते रहेंगे फिर बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अगर कोई लाइफ टाइम वो कर रहा है बाहर से भी तो वो भी मास्टर बन सकता है। पर उसमें भी लर्निंग तो है ही ना। yes. आखिर में लर्निंग कहीं से भी करो, लर्निंग बहुत जरूरी है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। yes. क्या बात है, क्या मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा। और ये डेमो तो मुझे लग रहा है कि 2-3 बार देखना पड़ेगा, ये कब क्या हो गया, मतलब देखते देखते ही बदल गया सब कुछ, जज्बात बदल गए, बहुत मजेदार। और जिन्होंने कॉलेज नहीं किया है समझो, वो लोग भी मास्टर आर्टिस्ट बन चुके हैं अब तक बहुत। हाँ। ऐसे भी एग्जांपल है, इसीलिए आप में स्पार्क होना जरूरी है, आखिर तक मुझे करना ही है। और जैसे अभी बात चल रही है तो फंडामेंटल जो भी है वो सब समझ के उसके हाँ। बाद अगर बाय प्रोसेस आप सब चीजें करोगे और आखिर तक उसमें डटे रहोगे तो सक्सेस मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि कॉलेज नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा, नहीं वो तो बराबर है, थोड़ा स्ट्रगल टाइम बढ़ जाता है बस। हाँ, बस। और जो कॉलेज नहीं किया है वो मास्टर बने, वो उन्होंने लाइफ टाइम लर्निंग तो किया ही किया है। यस। मतलब सब में बेसिक अंडरलाइन वही है। जैसे निशि ने कहा कि आपको राइट एजुकेशन मिलना जरूरी है अगर कॉलेज नहीं किया तो भी, राइट वे से, राइट गुरु चाहिए और बाद में स्टूडेंट ने भी उतना करना चाहिए ना। बस बस समोल सर डांटो मत अभी मुझे। नहीं तो मैंने तो गए थे कैंप में लेकिन कुछ सीखा है नहीं। मुझे आता नहीं। नहीं सर, जो पार्ट तो लेकिन एकदम सही, मतलब जरूरी बातें हो रही है आज तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने माइक ऑन किया कि बता सकूं, मुझे क्या फील हो रहा है वो बता सकूं इसीलिए। सर यस, इस बार बूंदी में अलका मैम वो ब्लू कलर के बारे में पूरा डिटेल्स में वो बताएंगे। ओके ओके, मतलब अलका का डेमो रखा है। नो मैं नहीं आ रही, मेरा कैंसिल कर दिया। इतना फंसा दिया था। ब्लू कलर खुद का लेके आना है कि अलका मैम सबको देने वाली है। वो बना के बताऊंगी कि कैसे बना सकते हो बस। ओके ओके, वो 3 कलर बना के दिखाने वाले, येलो रेड और ब्लू। नेक्स्ट संडे मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा कि हमारे मास्टर स्टूडेंट को कितना हैरान करते है। बहुत मजेदार चल रहा है ये सर, बहुत ही अमेजिंग, होते होते धीरे धीरे बिल्ड अप हुआ ना, जैसे जैसे ये आंखों में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, आंखों में जबरदस्त काम हुआ। मजेदार क्यों हो रहा है पता है तुझे? क्योंकि हमारा बूंदी का टाइम नजदीक आ रहा है तो हमारा मूड अच्छा हो रहा है। तो बूंदी के बारे में भी बता दूं, बूंदी आर्ट वर्कशॉप जो भी 4 नवंबर से 8 नवंबर तक है, इसकी लास्ट 2 सीट रह गई है। कोई भी रजिस्टर करना चाहता है तो बिल्कुल निशिकांत सर को, अलका मैम को, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज एक जन ने कहा है वो शायद कल कंफर्म करेंगे। तो 1 सीट रह गई है, तो जैसे भी है दो देना पड़ेगा। तो जैसे भी है खत्म हुआ, फिर आप देख लीजिए, आप YouTube से हमें लाइव देख सकते हैं। हाँ, और इसको अगर आप नहीं भी वहां पर पहुंच पाएंगे ना
तो YouTube से आपको इसके लाइव दृश्य देखने को मिलेंगे, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, 4 नवंबर से 8 नवंबर। अमोल सर, निशिकांत सर, अचिंत्य हाजरा सर, विक्रांत सिटोले सर, सिकंदर सर, कुंडालिया सर और केके सर, बहुत अमेजिंग अमेजिंग मेंटर्स और मास्टर्स वहां पर रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वी आर एक्साइटेड रियली। और बूंदी बूंदी है क्या वहां पर, क्या है, क्या क्यों वहां पर जाना है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कलारम के यूट्यूब चैनल पर रिसेंट वीडियो अपलोड की है, उसमें पूरी डिटेल है कहाँ पर रहने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो अगर आप नहीं भी आ रहे हैं तो भी जाकर इसे देखें और एंजॉय कीजिए और जेलस करें। लवली पोर्ट्रेट है, मजा आ गया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और ये बहुत ही अच्छा है सभी के लिए जो रियली सीखना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत कुछ है इसमें सीखने के। ये पेशेंस, ये जो पेशेंस है वो एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। और एक्सपीरियंस वहीं से शुरू होगा सर, कहीं से तो शुरू होगा है ना, जीरो से शुरू होगा, वो होते 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 फिर वो एक्सपीरियंस बन जाएगा है ना। अभी तो कोई पेंटिंग देखते हैं इंटरनेट पे, जैसे वो जूम करके देखते हैं ना, ये 2 मिनट में आके इस तरह हुआ है, क्या हुआ है, उसी तरह उतने ही फास्ट पेंटिंग बन जाए ऐसा सोचते हैं हम। हाँ, वो जो फाइनल स्ट्रोक दिखते हैं ना, सही कहा सर अमोल सर आपने, वो हमें फाइनल स्ट्रोक दिखते हैं कि ये फाइनल स्ट्रोक यहाँ पर लगे हैं, तो वही प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन जब प्रोसेस देखते हैं तो पता लगता है। नमदा जी एक बार रेफरेंस दिखाएंगे जरा। और शेयर भी करेंगे हम, चिंता मत कीजिए, हम अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करेंगे स्टोरी में और यूट्यूब पर भी हम वो रेफरेंस शेयर कर देंगे, आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। जब ट्राई करेंगे ना तभी पता लगेगा कि देखने में तो आसान लग रहा था, ऐसे मक्खन की तरह चल रहा है स्मूथ, लेकिन जब खुद करते हैं तो फिर वो पता लगेगा हमें कितना डिफिकल्टी है और उसमें से फिर सीखने को मिलेगा। सही बात है, फुल सही बात है। और स्टार्टिंग में ये आजर जी ने बताया था अभी कि सोशल मीडिया पे जो भी हम काम देखते हैं वो फाइनल वर्क होता है उस आर्टिस्ट का, तो हम उसको ही जज करके उस तरह का कुछ इन्फ्लुएंस रहता है थोड़ा सा कि हाँ इस तरह कर रहे हैं, लेकिन वो उसका रियाज देखते ही नहीं है, तो जैसे हाँ। यही बताया था अभी जस्ट। हाँ सही है, तो वो बहुत जरूरी है। सर काफी देर से चुप बैठे थे आप, काफी देर क्या है, इससे मुझे आइडिया हो गया। क्लास 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 अमेजिंग। थोड़ा मैं वो जो ड्राई वेट चारकोल है वो यूज करने की कोशिश करता हूँ अभी। अच्छा चलो हाँ, अभी हाँ। कौन सा चारकोल? लिक्विड वाला। लिक्विड वाला, ओके आई वुड लव टू सी दैट। हाँ कुछ नहीं, जैसे ऑयल वगैरह करते हैं ना हम, उसी तरह होता है। अच्छा हाँ। इसको इरेज कर सकते हैं क्या? नहीं थोड़ा सा स्टक हो जाता है ये। अच्छा। कम है थोड़ा, मतलब इसमें चांसेस, जब आपको कॉन्फिडेंस हो तो ही यूज करना। वो डायरेक्ट अप्लाई करना है कि कुछ उसमें मिक्स करना है? वाटर वाटर, बाकी कुछ नहीं। यस वाटर बेस है मतलब? हाँ वाटर बेस। मैं बस एक जस्ट मैं हर एक चीज लिया हूँ तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं, दिखाया था। इसके बाद सर का ऑयल वर्क भी देख रहा है हमें, तो वो लास्ट में देखेंगे सर का जो भी ऑयल वर्क है, बड़ा मजा आएगा। बहुत बहुत टाइम है अभी तो हमारे पास। रात पड़ी है कुल। इनके इनके ऑयल में जो लैंडस्केप है वो देखना बहुत मजेदार है। सर थोड़ा वो ऑफ स्क्रीन जा रहा है उसको, थोड़ा सो अंदर को। हाँ, एक, एक, एक। बस बस सही है, मजा आ गया एकदम से। ये सर सबमिट करवानी होती है कला।
ये हम पहले नहीं बताते सबमिशन का, बाद में बताते हैं सभी बट जो का पार्ट बहुत अच्छा मजा आएगा। इट्स लाइक गॉश कलर ओनली ना एकदम गॉश, थोड़ा गॉश का फील है उसमें। हाँ मतलब चारकोल, ऑथेंटिक चारकोल के अलावा थोड़ा सा कुछ अगर फैंसी जैसे बोला निशिकांत ने उस टाइप में। okay. बस हमें लास्ट में ये दिखता है कि ब्रश ऐसे ऐसे मारे हैं तो वही उसी से इंफ्लुएंस हो जाते हैं। अरे वाह, लेकिन ये थोड़ा स्प्रे लगाने के बाद थोड़ा डल हो जाता है। स्प्रे का कैसा है कि वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो करेगा या नहीं करेगा। मैं ज्यादातर ग्लास में प्रीफर करता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी ग्लास लगा देता हूँ। okay. मैं फिक्स नहीं करता हूँ क्योंकि उसका जो टोनल वैल्यू है ना थोड़ा चेंज होते हैं, चेंज हो जाता है। हाँ इसलिए तो ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से फिर से वो करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने पहले किया था कि सर आप इसके ऊपर फिक्सेटिव कौन सा यूज करते हो हाँ। या नहीं, तो अभी उसके बारे में वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। मैं अगर कमीशन वर्क कर रहा हूँ किसी के लिए तो मैं करता हूँ, पर उससे ना टोनल वैल्यू थोड़े खराब होते हैं, या तो मैं ग्लास फ्रेम पहले बना के रेडी रखता हूँ चारकोल के टाइम पे। ओके ओके, ज्यादातर या अच्छा आइडिया है। फिर जरूरत हाँ, नहीं है उसमें कि जो रिजल्ट मैंने निकाला है उसमें बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो रिजल्ट चाहिए थे वो एग्जीक्यूटिव के बाद चले गए, ऐसा बहुत टाइम हुआ था। मेनली हमारा मकसद है उसको प्रिजर्व करना, तो उसमें ग्लास फ्रेम कर देंगे तो वो उसमें फिक्सेटिव की जरूरत नहीं है, है ना सर? Exactly, हाँ। और जब भी उसको ग्लास फ्रेम करना है किसी भी पेंटिंग को तो हमेशा वैसे तो फ्रेमिंग वाले को पता रहता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक गैप रहना चाहिए, माउंट की वजह से वो गैप आ जाता है, माउंट लगा होना चाहिए ताकि जो ग्लास है वो सरफेस के साथ चिपके ना और वो आर्टवर्क हाँ। खराब ना हो। अमल सर है सर, एक मुकेश चौधरी है जो कि एक सवाल किया, तो मैं ये सवाल आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों को बहुत चाहत है उस आर्ट की, वो आर्ट को कैसे सीखे? देखो अभी हमारे सामने जो काम चल रहा है वो सिर्फ पेंसिल से भी हो सकता है, जैसे अभी ठीक है यहाँ पे चारकोल का डेमो हो रहा है, सही है? Yes. चारकोल या फिर जो भी पेंसिल मीडिया है उसका डेमो हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको पेंट से ही काम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग मैं इसमें एक एडिशन बताता हूँ कि चारकोल जो हमारे गांव में जो चूल्हे जलते हैं ना वो चारकोल से भी काम करने वाले लोग हैं। वही बनने वाला था, अभी बताओ बताओ आप बोल सकते हो। नहीं बताओ बताओ आप बताइए। हाँ ये कहने का मतलब यही है सर कि हम चाहे ना कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली और मैंने स्टार्ट में ही दिखाया कि पेंसिल देखो ये तो कुछ जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल पेंसिल है, ये कैमलिन के देखो कि इसमें इम्पोर्टेड ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है, और मैं ज्यादातर कार्ट्रिज पेपर 4 रुपए वाला ही यूज करता हूँ। शायद हम अपने दौर का भी बता सकते कि आप जब थे तब आपने क्या क्या किया था शुरू के दौर में। मुझे नहीं लगता कि हम पहले से अमीर थे या हमारे पास सब मटेरियल था। हाँ सर आपने क्या किया था शुरू में? जैसे कि मेरे में बात करूं तो मैं भी नहीं अफोर्ड कर पाता था, तो हम वाटर कलर इसीलिए ही चालू किया था कि हम वाटर कलर ही खरीद पाते थे, जो सीएटिंग की एक कितना 120 रुपीस की कोई थी, और ब्रशेस अपना उस टाइम पे सेबल एयर ब्रशेस मिलते थे एकदम सस्ते में, और हैंडमेड पेपर शिवाजी नगर अगर कोई है तो उस पे मिलता था, तो जितना हो सके हम सस्ता मटेरियल से स्टार्ट किया हम लोगों ने। फिर आपका जैसा जैसा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो आपको डेफिनेटली कमीशन वर्क भी मिलना चालू हो जाएगा। हाँ आपका काम खराब है तो आप गरीब हो, नहीं तो श्रीमंत तो आप कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, ये सब में अहम बात है ये।
कि काम डेवलप होना चाहिए, काम डेवलप होगा तो आप धीरे धीरे वो कमीशन वर्क भी ले सकते हैं। तो हमने शुरू शुरू में, मैंने तो नर्सरी के काम किए, छोटे बच्चों के वॉल पेंट करना उधर, ये वो सबकी लाइफ में है, बर्थडे के बैनर का सब कर चुके हम। अगर जिसको आर्ट आर्ट के अलावा कुछ आता ही नहीं ना, वो कैसे भी रास्ता ढूंढ ही लेता है, गरीब हो नहीं तो श्रीमंत हो नहीं तो कोई हो। अभी अचिंत्य जी ने पूछा ना कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी को तो क्या कर सकते, वही उसी के बारे में बता रहे हैं ना हम कि जैसे रियाज आपको करना है तो आप जो भी आपके पास सोर्सेस है अवेलेबल उससे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त महंगे कलर ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा चीज क्या सर, ये जो कलर, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि ये विल्सन के कलर, ये सब चीजें अभी अभी मार्केट में मतलब सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा लोगों को पता चल रहा है कि क्या मटेरियल होता है, किस तरह यूज हो सकता है और कितना उसका कॉस्टिंग वगैरह है। लेकिन वो जब हम लोग कॉलेज में थे या फिर प्रैक्टिस कर रहे थे उस वक्त तो कुछ नहीं था, सिर्फ कैमल के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, तो भी हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि ले सकते हैं। बहुत बार तो पोस्टर कलर से ही कॉम्पिटिशन अटेंड किया है हमने, पोस्टर कलर से भी काम किया है ऑन द स्पॉट में। तो बस उसमें मैं ये और एक जोड़ना चाहूंगा कि हमें अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन है तो सोशल मीडिया से आप बहुत दूर रहिए। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन देने वाला चीज है। अगर आप वो पैसे जैसे खोलेंगे तो आर्ट मटेरियल के बारे सही में है, सही है। आपको पोस्ट देखेंगे, मैं निशिकांत पलांडे तो मैं इमीडिएटली विंसन एंड नोटन के बड़े बड़े कलर्स डाल दूंगा, तो उससे आप वायबल हो सकते हैं। क्योंकि अभी मैं ले सकता हूँ, मेरे पास है उतना पैसा कि मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन शुरू के दौर है आपका तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। यहाँ पर इन्फ्लुएंसर काम जो भी देखना है देखिए, लेकिन मटेरियल को छोड़ दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और लेकिन मैं एक बात बोलू, कोई भी आर्टिस्ट बुरा नहीं माना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट अपने ब्रशेस अपने कलर्स पहले दिखाते ब्रांडेड वाले, सो इट्स बेसिकली वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट जो नए लोग होते हैं ना वो थोड़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, नए लोग ने इंस्टा पे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। यू आर राइट, उसका असर काम पे भी होता है फिर बाद में। हाँ, होता है सर, क्योंकि वो तुम सोचते हो कि हम वो लेवल पे जाएंगे। जब काम करने बैठते हैं ना तो दिमाग में वही रहता है कि अरे मेरे पास वो कलर नहीं है, मेरे पास वो वाले ब्रश नहीं है, तो वो काम करते वक्त आपके दिमाग में रहेगा तो उसका प्रॉब्लम काम में दिखेगा ही, वो मेंटेलिटी। मैंने वो आर्टिस्ट कुछ जो बहुत 5,000 का ब्रश की एडवर्टाइज करते, लेकिन उसके बॉक्स में मैंने कैमल के ब्रशेस इससे ब्रशों के सब ब्रशेस देखे और यूज करते हुए भी देखा। तो सर ऐसे कई बार भी हमने भी देखा कि वो बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उनके पास बड़े अच्छे फोन होते हैं 10 से 15 हज़ार के बीच में, बस वही वो खर्चा तो कर रहा है कहीं ना कहीं, सही वे पे नहीं। क्या हमारा प्रायोरिटी हमें देखना पड़ेगा कि आपको क्या प्रायोरिटी। वो नहीं कह रहे कि आप फोन अच्छा खरीदो, कि ऐसा कुछ नहीं, हो सकता है आपके खर्चा और कहीं जा रहा है, उसको रोक लो और उसको थोड़ा सा स्विच करो। ओके, गुड एडवाइस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपके सामने एक एग्जांपल है, जो सामने डेमो चल रहा है उसमें एकदम लिमिटेड मटेरियल के साथ वो मास्टर वर्क निकल रहा है, शायद कोई ये वर्क देखेगा तो आपको 10 काम मिल सकते हैं। तो 10 काम मिलेंगे तो एक काम का पैसा आप अपने मटेरियल में डाल दो, नेक्स्ट टाइम उस एक मटेरियल से आप वापस 25 वर्क निकालेंगे तो उसमें से 5 इसका इसमें डाल दो, तो वैसे आपको ग्रोथ होने वाला है अगर आप अच्छा काम देंगे लोगों को। हाँ, फिर उस टाइम आप सोशल मीडिया का फुल एडवांटेज लो अगर आपका अकाउंट डेवलप हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ मुकेश जी को अपना सवाल का जवाब मिल गया। उसके साथ साथ ऐसे जो बच्चों को दिक्कत है तो उन्हें भी इस तरह के सवाल के आंसर मिला है, और आप कोशिश कीजिए ऐसे निराश ना होइए। और उसके साथ बताना चाहूंगा, यस सर, उसके साथ मैं और एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं जैसे अभी बात चल रही है कि जो भी हमारे पास मटेरियल है उससे हमको रियाज चालू रखना है, तो उसका एक दो जगह मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि एक 2 कॉलेज में डेमो के लिए गया था मैं, तो उनको तो हैंडमेड पेपर क्या है वो भी मालूम नहीं था, और मतलब ट्रैवल करके वहां जाना, वहां पे तो कुछ था ही नहीं उनके पास अवेलेबल, तो कार्ट्रिज पेपर पे ही काम करना पड़ा। तो वो इसलिए हो सका वहां पे काम क्योंकि हर तरह का पेपर हर तरह का कलर इस्तेमाल करने की आदत पहले से थी,
किसी ब्रांड में अटक के रहना भी मतलब नहीं है, आपको हर चीज एक्सपीरियंस करना जरूरी है। राइट सर, कि कौन से सिचुएशन में आपको कौन सा मटेरियल से क्या काम करना पड़ेगा मालूम नहीं है, तो बाद में ऐसा ना हो कि अरे मुझे ये कलर होगा तो ही काम आएगा, तो आप आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे फिर। सही है सर, ये बात सही है। ये वापस एक मटेरियल वाला ये सवाल था कि हम आपने जो ये पेपर यूज किया है ये नॉर्मल कार्टेज है या थिकनेस है उसका ज्यादा? ये कैंसन का पेपर है 224 जीएसएम। ओके, क्योंकि मुझे लगता है नॉर्मल कार्टेज पे इतना वो होल्ड नहीं करता शायद। क्या बात है, सुपर। मैंने ये अभी रोक दिया इधर। नहीं नहीं, बहुत मस्त हुआ है। आपके इसके इसके लिए किसी ने भी एक सवाल पूछा था कि कहाँ रुकना है, वो भी आर्टिस्ट को कैसे पता चले, कैसे उसको एक तो हाँ, आप बता सकते हो। बेसिकली इसमें मैं ये आर्ट वर्क के बारे में बात करूंगा डेमोनेस्ट्रेशन के, कि मेरे दिमाग में ये था कि जो लोग देखना चाह रहे हैं वो सीखने वाले ज्यादा, मतलब सीखने वाला क्राउड ज्यादा होगा 100%। तो मैंने बेसिकली टोनल वैल्यू स्केच ये मेरे दिमाग में था, तो उसके हिसाब से मैंने काम किया। तो मुझे लगा कि हाँ अभी ये वैल्यू उसमें बिल्कुल आ चुके हैं, मतलब हाई की से लो की तक सभी मैंने कवर कर लिया है, तो वो हिसाब से मैंने रोक दिया था मैंने। और मैंने थोड़ा सा पेंटरली थोड़ा सा उसमें रिजल्ट लाने की कोशिश की, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने का, जैसे ये बैकग्राउंड में यहाँ तो एक पेंटिंग लगे, मतलब वो ओवरऑल एक पेंटिंग का भी फील आए, और मतलब सभी चीजें कवर करने की कोशिश की मैंने उसमें। तो वहां रुक गया मैं, कि अभी मुझे लगा कि बस पेपर का अभी ये लिमिटेशंस है, और जहां तक मुझे चाहिए था मैंने वो कवर कर लिया। तो एक्चुअली ना एक अनकम्प्लीट या जो हमें लगता है वही कभी कभी एक मास्टर वर्क निकल जाता है। हम पूरा कट टू कट फिनिश करेंगे तो ही शायद वो उसका एक आर्ट वैल्यू वो भी कम हो सकता है। एग्जैक्टली तो हम पेंटरली वर्क, इसीलिए तो वर्ड यूज किया मैंने कि वो पेंटरली लगे। yes. कि हमने जो काम किया वो बेसिकली पेंटरली लग गए, कि क्या चीजें हमने उसमें अचीव करने की कोशिश की थी, मतलब जो प्लान तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा सा उसमें रेंडरिंग से लेके तो टोनल वैल्यू तक मुझे जो जो चाहिए था मैंने वो अचीव किया उसमें। वेरी वेरी नाइस, मतलब काफी मजा आ गया आपका ये सब देख के। तो थैंक यू, शायद आपका जो वर्क है मैंने शुरू में देखा रहेगा, लेकिन बहुत सारे नए आर्टिस्ट है उन्होंने फर्स्ट टाइम आपका वर्क देखा रहेगा, तो आई होप सबको मजा आ रहेगा। और इनको अगर उनको फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टा से, और इन फ्यूचर वो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी चलाएंगे, क्योंकि हर किसी को ऑफलाइन पूरे इंडिया से सब लोग देख रहे, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करेंगे तो हम जरूर बता देंगे। तो सर, हम एक कॉमन एक ग्रुप फोटो लेते हैं, आप अपना कैमरा आपके तरफ ले, जितना हो सके आप सब अपने फेस दिखाइए, क्योंकि हम जाते जाते सबका एक ये आर्ट वर्क से हटाना है मुझे कैमरा अभी। नहीं, आप अपने तरफ कैमरा रखिए, आर्ट वर्क हम अभी फोटो ले लेंगे आपसे। सर थोड़ा सा ऑयल ऑयल का वर्क भी दिखा दीजिए। रुको, फोटो लेते पहले। पहले फोटो लेते हैं, अभी चले जाएंगे। जिसको ऑयल कलर देखना है वो सब मुंह दिखाएगा अपना। ऑयल दिखा रहे हैं? हाँ, वो मतलब ऑयल मतलब ऑयल ऐसा नहीं है, जहाँ पीछे रखे हुए किया हुआ दिखाएंगे उनका स्टॉक। किया हुआ जो रखे हुए दो तीन स्केच है वो मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। चलो बोलो जिलेबी। ओके डन, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी बाकी है पिक्चर। हाँ, अभी वो अपना ये दिखाने वाले हैं, अब ऑयल पेंटिंग कुछ वर्क से मैं बता देता हूँ। मजा आ गया, बाकी मजा आ गया, और एक दो घंटा हम वैसे ही बैठे रहेंगे। दिखाओ आप। ये कुछ स्केचेस है, मतलब मैं ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, जो नहीं, नहीं, रखे हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये एक स्टिल लाइफ है। क्या बात है, लवली। आपने ही कंपोज किया होगा? हाँ, ये एक स्केच किया था एक फ्रेंड का ऑयल में।
तो सबको मैं बताना चाहूंगा कि मोस्टली जो पुणे के आर्टिस्ट है वो लाइव बहुत काम करते हैं. आज शायद उनको मॉडल प्रिफर ऑनलाइन था इसलिए उन्होंने इतना रिस्क नहीं लिया. नहीं रात में मेरा स्टूडियो थोड़ा सा छोटा है वैसे घर पे. हाँ. तो अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को. बेसिकली ये ऑनलाइन का पता ही नहीं है कैसा करे क्या करे. हाँ. तुम्हें तो मैंने प्रीफर किया कि चलो ये एक स्केच किया था ये ऑयल में और ये करेंगे तो सब उन्होंने लाइव ही सामने मॉडल. हाँ, ये हाँ बेसिकली क्या मजेदार और ये स्केचेस है जैसे वॉल पे है. एक मिनट में दिखा देता हूँ. ऐसे स्टडीज होते हैं. वेरी नाइस. तो ये वो पर्दे के पीछे के काम है सभी. ऐसा है बेसिकली. हाँ तो बेसिकली ये अपना ये वर्क है अपना आज का. मजा आ गया. इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर हम और वो जो रेफरेंस में बता रहा था ये है वो रेफरेंस. मैंने उसको मेरे हिसाब से डेवलप किया है. मतलब वो नोज का जो डायमेंशन है क्या खतरनाक हुआ है. मतलब जो रेफरेंस में दिख रहा है तो कुछ मजा नहीं आ रहा था लेकिन ये जो हाँ उसमें मजा नहीं है. मैंने मेरे हिसाब से वो डेवलप किया दिख ही रहा है एकदम से. हाँ, हम जो है वो दिखा नहीं पाते आपने. वो ये फोटो देख लेता तो सर्जरी करा लेते शायद. मैंने पहले ही दिमाग में बना लिया था कि मुझे क्या कंपोज मतलब किस टाइप में उसका. देखो आप बियर्ड देखो उनका थोड़ा छोटा है इसमें. मैंने वो थोड़ा सा उसको पॉइंटेड किया इधर नीचे. मतलब ये जो उनको सारी चीजें ना वो लाइव करने के बाद हम दिमाग मॉडिफाई कर ही लेता है लेकिन हम जितना फोटो से करते रहेंगे ना वो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता. या अभी उनको पता है उन्होंने बहुत इतने काम किए हैं ना तो किसी का नोज इधर चिपका सकते हैं आईज भी चिपका सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं. सही है सही है सही है. उनका विजन मस्त वाला है. सुंदर वाला है एकदम मस्त. धन्यवाद धन्यवाद. मस्त है खूब चांद खूब चांद. धन्यवाद धन्यवाद. बेसिकली समझ लेना सगळ्यांना म्हणजे ते मतलब बेसिकली जो चीजें चाहिए थी स्टूडेंट्स को वो देने का कोशिश किया मैंने. मोल्डिंग जो थे जो कैरेक्टर का मोल्डिंग होता है मतलब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ मोल्डिंग है उसके बाद यहाँ बेसिकली ये जो है ये मोल्डिंग का मतलब ये स्टडी है ये सब. कि जैसे मोल्डिंग जैसे हम क्ले करते हैं ना उस टाइप में डेवलप करना आना चाहिए. देखो सर रियलिस्ट रियलिटी शो में बोलते ना आपने मौसम बदल दिया तो हम तो कहते आपने आग लगा दिया. इतने सारे स्टूडेंट या जो पार्टिसिपेंट है नए लोग है और जो आर्टिस्ट भी आपके साथ जुड़े हुए तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे अच्छे आपके फ्रेंड भी हमारे साथ जुड़े. शायद कोई हम पहचानते नहीं लेकिन आपको पता रहेगा. तो थैंक यू सो मच एवरीवन और मिलते हैं नेक्स्ट हमारा संडे कोई हम लेके आएंगे कोई और एक आर्टिस्ट और ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारे आर्टिस्ट आपको साथ जुड़ करेंगे. तो और इसी के साथ ये जो डेमो है ये सेव रहेगा कलारम के यूट्यूब चैनल पर तो आप दोबारा जाकर इसे वहां पर देख सकते हैं. और कमेंट बॉक्स में मैंने YouTube का लिंक भेजा है नहीं तो अगर नहीं मिल रहा है तो बस कलारम टाइप कीजिए मिल जाएगा. और स्पॉन्सरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको कलारम से सारी जानकारी मिल जाएगी. इसी के साथ मैं शुक्रिया करूंगा अजरुद्दीन इनामदार सर का और हमारे मेंटोर आर्टिस्ट निशिकांत पलांडे सर अचिंत्य हाजरा सर अमोल पवार सर और अलका मैम और सभी आर्टिस्ट का जो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़े रहते हैं सपोर्ट करते हैं आप सभी का धन्यवाद. और इसी के साथ मिलेंगे अगले डेमो में. शुक्रिया धन्यवाद आप करते रहिए खुश. थैंक यू गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू अजरुद्दीन. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय सर. बाय सर. बाय मसाले सर. बाय 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 सर. पहले दिन तो आवाज ऐकला. बाय अमोल सर. यस बाय गुड नाइट. गुड नाइट. देखो आज तो जाने का भी मन नहीं कर रहा है.
वो जल्दी हो गया, बहुत डेमो हाँ बहुत अच्छा था यार। अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ ना वो, बहुत अच्छा था। सर लाइव बंद कर दो, उस पर लाइव बंद कर दो। यस सर, यस मजा आया, इट वाज